अज की वीडियो में असं उन्होंने बच्चों की हैल्प करा जो सौखे तो सही तरीके विदेशों में स्टडी वीजे राही जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अक्सर ही देखते हैं अपने आले दुआले ठग एजेंटा वालों बच्चों नाल ठगी ठोरी की जा रही है, जिस तो बाद पुलिस थाणियां विच काफ़ी बच्चों के मापे के बच्चे खज्जल खुआर भी हो रहे हैं। जे आप पी आर या सैटलमेंट में लैके आप चलीए तो कैनेडा टॉपमोस्ट ही आ रही है और इसके बराबर ही जर्मनी भी है। जर्मनी के सैटलमेंट ऑप्शन इक्वली गुड ने एज कंपेयर टू जे आप कैनेडा के नाल लैके चलीए। इस जे आप यूके लैके चलीए उत्थे सैटलमेंट ऑप्शन लिमिटेड ने, पर यूके दे विच एक प्लस पॉइंट है कि उत्थे स्पाउस नाल जा सकते, यह बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। काफ़ी एजेंट इदा कहें भी तुम साढ़े को आओ, असी पैकेज सिस्टम करा, कोई 25 लाख लै रहा, कोई 30 लाख लै रहा, कोई 18 लै रहा, कोई 20 लाख लै रहा, कि तुम कोई इदा का पैकेज सिस्टम दें हो बच्चों? कोई भी आयल सेंटर जरा पैकेज डील दे रहा है वह बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत है। सारे वधिया इंस्टीट्यूट थानू इदा की गलत कमिटमेंट नहीं करते, जेडे अज खुले आ 2 साल चलने आ या साल चलने आ वो तुहाडी इदां दी कमिटमेंट करनगे, वो तुहानू कोर्ट कचहरियां दे धक्के खलाणगे, थाणे धक्के खलाणगे, बच्चा उत्थे खराब होएगा, मुड़ के साडे पैसे आपां बकावांगे गए कित्थे। कोई अजिहे कोई कंट्री हैगी जिथे बिना आइलट्स ते लंबे गैप दे बाद भी बच्चा विदेश जा सकदा पढ़न? यूरोप दे विच और एस्पेशली जर्मनी दे विच खर्चा आपां कह सकते हैं कि एक तरह नाल कैनेडा नालों घट ही आंदा है और लाइफस्टाइल उहदा बैटर है। जे आप इतने लैके चलीए तो आयल्स की रिक्वायरमेंट मैक्सिमम कॉलेजेस दे विच नहीं है और गैप एक्सैप्ट कर रहे हैं। होल्डिंग्स नाल तुसी बच्चे दे आयल्स नंबर नहीं बता सकते, होल्डिंग्स नाल तुसी बच्चे दी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट नहीं कर सकते, होल्डिंग्स नाल जिहड़ा पेरेंट्स का पैसा उन्हां तुसी जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते। लखा बच्चा जा रहा, लखा चो मुड़ के भी आ रहे हैं, ठीक है, रोंदे भी पए आ, कई केस उत्ते असीं देखदे सुसाइड दे भी हो रहे हैं, ठीक है जी, क्यों आप बच्चे के भविख ना खेलना? साडे कोल काफ़ी केसिस इदा दे आए ने जिहड़े वीज़ा रिफ्यूजल्स चाहे कैनेडा दे होन चाहे होर कंट्रीज दे भी होन साडे कोल आए ने। मेरे कोल ऑलरेडी कई इस तरह के वीज़े लग चुके ने जिहड़े रिफ्यूजलों तो बाद असीं उन्हां नूं हाईली सक्सैसफुल और पब्लिक कॉलेजेस दे विच उन्हां नूं प्लेस करवा दिंदा। जिहड़ा बच्चा साडे कोल आइल्स कर रहा बंबा कंसल्टेंसीज, जिहड़ा स्टडी वीज़ा साढ़े को ज्वाइन करता है, असं उस बच्चे को 1 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्री दे रहे हैं। जर्मनी के काम की प्रॉब्लम नहीं है, बच्चे को बड़े आराम का काम भी मिल रहा है और जे आप कही कि मनी अर्निंग किन्नी है, कि पैसा उन्होंने मिल रहा है, तो आप उन्होंने करेंसीज कंपेयर कर सकते हैं, डॉलर और यूरो के रेट के डेढ़ गुने का घट्टो घट डेढ़ गुने की कमाई उन्होंने ज्यादा हो रही है। तुम इस चीज़ से ना डिगो कि इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वधिया लग्या, ए सी कितने वधिया लाए हुए हैं, वो बच्चों ने ब्रांडिंग कितनी वधिया की हुई है, इस चीज़ से ना जाओ, वो चीज़ का बिल्कुल जीरो आ। तुहानूं यह देखना चाहिए कि जिहड़ा स्टाफ कोचिंग दे रहा, जिहड़े टीचर रखे हुए हैं, उन्हां दा आईक्यू लैवल की है, वो किद्दां दे ने, वो किद्दां पढ़ाते पे ने। साइंस टीवी देख रहे सारे दर्शकों का स्वागत है, मैं हरदीप सिंह तगड़। अज की वीडियो में असं उन्होंने बच्चों की हैल्प करा जो सौखे तो सही तरीके विदेशों में स्टडी वीजे राही जाना चाहते हैं, क्योंकि आप अक्सर ही देखते हैं अपने आले दुआले ठग एजेंटा वालों बच्चों ठगी ठोरी की जा रही है, जिस तो बाद पुलिस थाणियों में काफ़ी बच्चों के मापे के बच्चे खज्जल खुआर भी हो रहे हैं। तो अज असी बहुत बरीकियां सर्वे किया, असं देखना चाहते सी कि दुआबे के शहर के इमीग्रेशन सेंटर है वधिया है। जेकर आप फगवाड़ा शहर की गल करिए जो असी सारे पासे झात मारी, जो असी बच्चों तो सर्वे किया, जो असी वेख्या तो बंबा कंसल्टेंसी नाम बहुत वधिया नंबर पर आ रहा है, जिथे कि सरदार भुपिंदर जीत सिंह बंबा जी तो अनुराग मानखंड बड़े सुचजे ढंग के बच्चों वधिया तरीके गाइड करके विदेशों वल भेज रहे हैं। हुण असी गलबात उन्होंने जाके करांगे, क्योंकि कोविड तो बाद बच्चे काफ़ी कन्फ्यूज है, बच्चों नहीं पता चलता भी कड़िया कंट्रियां इस वे खुलियां है की समस्या आ रही आड़े कंट्रिया के सौखे तरीके दे नार बिना खज्जल खुआर हुए जा सकते हैं। सीधे तो तिक्के सवाल उन्होंने असं करा जाएंगे, जोड़िया समस्यावान थोड़े जोड़े मन के सवाल वो भी असं उन्होंने करा, जिस दे जोड़े बच्चे कन्फ्यूज है, जोड़े बच्चों नहीं पता लगता उन्होंने एक सपोर्ट मिल सके। हूँ असं जावे बंबा कंसल्टेंसी फगवाड़ा के बस स्टैंड के नाल हैगी, उत्थे जाके करांगे उन्हां नाल गलबात। आओ चलिए।
स्टडी वीजा बारे जानकारी लवेंगे जो कि बांबा कंसल्टेंसी में चला रहे सरदार भुपिंदर जी सिंह बांबा के अनुराग मानखंडी साढ़े नाल है उन्होंने भी गलबात करांगे। सर पहला तुम दसो भी पिछले 28 साल तो तुम एक बहुत वड्डी शहर लई सेवा निभा रहे हो शहर दीआं प्रमुख हस्तियां तुहाडे कोल पढ़ के एक चंगे मुकाम ते पहुंचे हां तुसीं की महसूस करते हो? हरदीप जी इस चीज़ से तो मैं यही कहूँगा कि रब की मेहर रही है मेरे सिर पर हाथ रखे रख रहे हैं उन्होंने कि उन्होंने मेरे हाथों काफ़ी सारे जिहड़े स्टूडेंट्स ने शहर के जिहड़े पिछले 28 सालों तो मेरे तो पढ़ के उन्होंने अच्छे मुकाम तक पहुँचाया है तो मैं उस चीज़ लिए रब का बहुत बहुत शुक्रगुजार हाँ। और इस यही चीज़ नू इसे एक्सपीरियंस नू नाल लैके हुण मैं अगे असी जिस तरह के अगे स्टैप्स लै रहे हैं उस चीज़ नू उस एक्सपीरियंस नू असी अगे होर जिन्हों कहें कि असी होर स्टूडेंट्स नू सही राह दिखाना चाहिए। हम अभी गलबात करेंगे स्टडी वीजा बारे है ना क्योंकि पिछले टाइम कोविड का दौर से कई बच्चे ने आइलैट्स कर ली थी कई ने नहीं भी की पर कन्फ्यूज है कि भाई हम स्टडी वीजा नहीं लग रहा वीजा प्रोसैस रुकया हुआ अंबैसियां के काम रुके हुए कि हम चल पे है कम ज पहला भी चल रहे थे बड़ी कन्फ्यूजन सी बच्चों ने मन च ये काम पहला भी चल रहे सिर्फ स्लोडाउन हुए थे कुछ जिदा आप कही भी दिल्ली के होने करके अंबैसीज इस तरह क्लोज हो जाए ने बिकॉज दिल्ली के करफ्यू लग गया से उस टाइम नैचुरली एम्बेसी तो क्लोज होनी सी तो इन्ह रीजनस करके काफ़ी कम स्लोडाउन हो गए थे रिजल्ट्स नहीं आ रहे थे हूँ पिछले जो रिजल्ट्स भी आने शुरू हो गए है फ्लाइट्स भी खुलनिया शुरू हो गई हैं एम्बेसीज भी ओपन हो रही हैं तो एक तरह ना ऑलमोस्ट हूँ पूरे जोरों ही है कम अगे प्रॉपर चल रहे इस वे कि कंट्रिया के वीजा खुल चुके हैं आप लैके चलीए तो कैनेडा तो खैर किसी वे बंद नहीं होया लेकिन हूँ जितना रिजल्ट्स आ रहे हैं उस तो बाद हूँ प्रॉपर ओपन है इस यूके कदे भी बंद नहीं होया यूके पहला ही चल रहा है जर्मनी ओपन हो रहा है होर यूरोपियन कंट्रीज ओपन हो रही हैं इस तो अलावा कुछ होर कंट्रीज जिदा US वगैरह तो ओपन है ही जी की वेखते हो जो बच्चों ने अपना स्टडी वीजा अपलाई करना वो प्रोफाइल की होनी चाहिए ज डॉकूमेंट्स के उन्होंने होने चाहिए जे बच्चे ने कैनेडा और स्पैशली अंडर ग्रैजुएट अपलाई करना है तो एक तो उनके कोल प्लस टू होवे जे प्लस टू का रिजल्ट नहीं भी हैगा तो वो कंडीशनल ऑफर अपलाई कर सकता है तो नाल उहदे कोल आइल्स का स्कोर होना जरूरी है आइल्स ये मैं इससे पॉइंट करना दसना चाहूँगा कि बिना आइल्स दे किसी भी तरीके दे नाल कैनेडा जाना पॉसिबल नहीं है या आइल्स या ज़्यादा तो ज़्यादा PTE होना जरूरी है इस तो अलावा कोई जरिया नहीं है कैनेडा जाने का। सर एक गल बड़ी वक्री जी वेखन मिली आ शहर के बहुत बड़े ब्रांड है बहुत बड़िया बड़िया होर्डिंग लगिया आ कोई कहता भी बिना पैसे वीजे लगवाओ कोई कहता भी असी तो पैकेज सिस्टम लवेंगे पर बांबा कंसल्टेंसी का ना तो असी कोई होर्डिंग देखिया ना अखबारों इश्तहार देखा फिर भी बच्चे इतने काफ़ी आइल्स भी कर रहे स्टडी वीजा भी लगवा रहे की कारण बनी आप भाजी इदा कि बांबा कंसल्टेंसी जी है वह यकीन करता क्वालिटी देन असी एजुकेशन ज़्यादा प्रमोट करते हैं होल्डिंग्स ना तुसी बच्चे दे आइल्स नहीं नंबर नहीं बता सकते होल्डिंग्स ना तुसी बच्चे दी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट नहीं कर सकते होल्डिंग्स ना जो पेरेंट्स का पैसा उन्हें तुसी जस्टिफिकेशन नहीं कर सकते आप खर्चा फालतू करना क्यों है असी वेरी क्लीयर है कि IT डेट के थानू थां थां बोर्डिंग लगे मिल जाने थां थां जिहड़े बंदे कह लो कि कोई काम कर रहा मेरे वर्गे लोहे का काम कर रहा उठ के आके आइल्स कर लग गया बट मैं आई एम लक्की कि मेरे नाल इदां दे टीचर है मेरे जिन्हों का 25-30 साल का एक्सपीरियंस सिर्फ एजुकेशन सैक्टर का ही है मेरे वाइफ है शी इज़ पोस्ट ग्रैजुएट प्लस उन्होंने आइल्स का भी बहुत वधिया उन्होंने किया है तो शी इज़ वेरी गुड इन इंग्लिश तो मैं सिंपल ये कह रहा कि IT रेट के हर कोई सेंटर खोल रहा कि एजुकेशन ना होकर बिजनेस हो गया जबकि बिजनेस नहीं है ये फ्यूचर ना जुड़ी हुई चीज़ है ये बच्चों के भविख ना जुड़ाया सबजैक्ट है जिहदे विच साडी जिम्मेवारी बनती है साड़ी कि असी जस्टिफाई कर सकी तो असी यही चीज़ को लेकर चल रहे हैं कि भी बच्चा जिहड़ा साडे कोल आ रहा है असी उस बच्चे पॉलिश करिए उस बच्चे की पर्सनैलिटी उत्ते काम करिए बच्चा जिस मुल्क दे विच जा रहा है उस मुल्क का वातावरण की है एटमोसफेयर की है टैक्स पॉलिसिस की है सरकार की है तो जिस यूनीवर्सिटी कॉलेज सिलैक्शन करनी है वह असं कि जगह पर भेजना है हूँ तुम देखो कि आर्ट्स बैकग्राउंड का बच्चा है कोई कमर्स बैकग्राउंड का बच्चा है कोई CBSE का बच्चा है कोई पंजाब बोर्ड का बच्चा है कोई ICSE का बच्चा आ रहा है ठीक है जी असी सिलैक्शन ऑफ जी कोर्स है कमर्स वाले कई बार इदा के कोर्स सिलैक्ट करा देते हैं जो सब्जेक्ट रेलीवेंट नहीं करते उत्तर होंगे कि पासपोर्ट तो रिफ्यूजल लग जाती है साढ़े को कई कई केसिस आते हैं कि बच्चे दो बार रिफ्यूजल लगे हैं तो बच्चे को पता नहीं कि रिफ्यूजल क्यों लग रही है असं कई केसिस इदा के मच्योर किए साडा इतने बिल्कुल फोकस है कि असं बच्चे पूरी काउंसलिंग करते हैं गो थ्रू होंगे कि बच्चा की चाहता है बच्चे का माइंड लैवल की है बच्चे की कितनी मेहनत की लोड़ है असं और हिसाब न बांबा कंसल्टेंसीज के अंदर पूरा काम कर रहे हैं तो बहुत वधिया रिस्पोंस मिल रहा है
बहुत वधिया साढ़े को इस वेल असं पूरा पैकड चल रहे हैं। तो काफ़ी एजेंट इदा कहें भी तुम साढ़े को आओ असी पैकेज सिस्टम करा, कोई 25 लाख लै रहा, कोई 30 लाख लै रहा, कोई 18 लै रहा, कोई 20 लाख लै रहा, कि तुम कोई इदा पैकेज सिस्टम दें बच्चों? बहुत वधिया सवाल है तुहाड़ा। पहली गल मैं सांझ टीवी के थ्रू राही पेरेंट्स को खास करके पेरेंट्स को एक गल बहुत क्लीयर करदा कि कोई भी आयल सेंटर जिहड़ा तुहानू पैकेज डील दे रहा है वह बिल्कुल फेक है, बिल्कुल गलत है। बच्चे का जिहड़ा भी तुम कैनेडा भेजते हो या कोई होर कंट्री भेजते हो, हर कंट्री के अच्छी यूनिवर्सिटी का एक या कॉलेज का एक फीस स्ट्रक्चर है, वह फीस स्ट्रक्चर चाहे 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी है, वह फीस स्ट्रक्चर सीधा ही कॉलेज के खाते जाता है, उस सा कोई लेना देना है नहीं। जिहड़ा तुहानू कह रहे कि भी जी सानू तुसी इन्ने पैसे दवो असी तुहानू तुहाडे बच्चे नू बाहर भेज रहे, इट मीनस या तो हुण तुसी मॉन्ट्रियल दे विच देखिया 8 to 10 कॉलेज यूनिवर्सिटियां बंद हुई ने, वो यही रीज़न है कि उत्थे कोठियां दे विच कई बार खोल के बैठे होंदे ने, वो इत्थे दे सेंटर नाल टाइप कर लैंदे ने, वो अपने खाते च पैसे लगे बच्चे दे भविख नाल धोखा करदे ने, बाद च बच्चे बाहर जाके धक्के खांदे ने। कोई भी सेंटर जे क्लेम कर रहा है कि मैं तुहानू पैकेज दे रहा, वो सेंटर इट मीनस कि वो एजुकेशन नहीं दे रहा, वो तुहानू गलत ट्रैक दे उत्ते लैके जा रहा, तो बिल्कुल ही सरासर गलत है। सर जिमें तुसी ठोक ठोक के गल्लां कर रहे हो, सारे इंस्टीट्यूट सारे एजेंट से कह रहे भी असी सारा नूं बेस्ट है क्या, पर पेरेंट्स किदां यकीन करन उन्होंने लखां रुपये खर्चना, चाहे कॉलेज की फीस देनी आ, फिर तुहाडी फीस भी हैगी आ, बच्चे दे आउण जाण दे खर्चे भी हैगे आ, ओह क्यों तुहाडे कोल क्यों आउण, की ट्रस्ट तुहाडे ते करके आउण? मैं ये चीज़ कहूँगा पेरेंट्स जो सिलेक्शन करते हैं, देखो एक चीज़ तुहानूं होर दस्सां भाजी तकड़ भाजी, असी साडा एक मात्र इंस्टीट्यूट आ जिहड़े बच्चों नूं शायद पसंद ना आवे पर पेरेंट्स नूं बहुत पसंद आएगा। असी बच्चों के पेरेंट्स ना इंट्रैक्शन डायरैक्ट करते हैं, महीने के असी ब पेरेंट्स ना 2-4 बार 5 बार साड़ी कई बार पेरेंट्स इतने असी बुलाई दे भी है टी के उत्ते कि साढ़े ना आके गल करो कि जो असी बच्चों काम दे रहे हैं, कर बच्चा क्यों नहीं पिकअप हो रहा, कितने की गलत हो रही है, ये पेरेंट्स ना साड़ी इंट्रैक्शन है। हाँ जी सिलेक्शन ऑफ इंस्टीट्यूट है, वो देखो जी तुम इंस्टीट्यूट जाना है, तुम इस चीज़ से ना डिगो कि इंस्टीट्यूट का इंफ्रास्ट्रक्चर कितना वधिया लगे, एसी कितने वधिया लाए हुए हैं, वो बच्चों ने ब्रांडिंग कितनी वधिया की हुई है, इस चीज़ से ना जाओ, वो चीज़ें बिल्कुल जीरो आ। तुहानू ये देखना चाहिए कि जो स्टाफ कोचिंग दे रहा है, जो टीचर रखे हुए हैं, उन्होंने IQ लैवल की है, वो किदा देने, वो किदा पढ़ाते पे ने, तो जोड़े बंदे इंस्टीट्यूट ओपरेट कर रहे हैं, जो जिन्हें हाथ के अपना बच्चा छड़ रहे हैं, वो आप किन्ने काबिल है कि वह की अवेयर आ कि जो चेंजेस आ रहे हैं इमीग्रेशन के उत्ते, या उन्होंने पता है कि भी जो आयल्स करा रहे हैं वो सबजैक्ट किन्नी डैप्थ वाले आ, कि ग्रामर के उत्ते किन्ना काम करना है। पेरेंट्स जो आप इंट्रस्ट लेंगे ने, कई बार होंगे कि बच्चा आप ही जाता है जी, 2-4 दोस्त इकट्ठे होंगे ने, वो कहें कि जी एक ने ज्वाइन किया बाकी भी कर लो, पर जो पेरेंट्स आप इनवॉल्व होंगे ने तो तगड़ भाजी मैं 120% श्योर करता कि पेरेंट्स ही अपने इनवॉल्वमेंट ना पेरेंट्स बेस्ट ही बार लेके आएंगे, सिलेक्शन वधिया करके आएंगे। हाँ बच्चे हजे कोमल होंगे ने, इन्नी समझ नहीं होंगी, तो मैं बच्चों ने भी कहूँगा कि तुम ये चीज़ से जरूर फोकस करो, क्योंकि सिर्फ जो टाइम पीरियड होंगे ना जो 2-4 महीने होंगे ये मेहनत के आओ, मेहनत लगी हुई तो पूरा फ्यूचर बन जाता है। असी तुम देखो असी इतने अपने इंस्टीट्यूट के अंदर मैं ठोक के गल कहता कि मेरे को पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर है, मेरे को 20 to 25 PC लगे हुए हैं कंप्यूटर के, किसी इंस्टीट्यूट के अंदर इन्हें कंप्यूटर के तुम्हें मिलने नहीं है। जो बच्चा साढ़े को आयल्स कर रहा है बॉम्बे कंसल्टेंसीज, जो स्टडी वीज़ा साढ़े को ज्वाइन करता, असं उस बच्चे को 1 महीने का कंप्यूटर कोर्स फ्री दे रहे हैं, वो इस करके अच्छी दे रहे हैं कि उस बच्चे उत्थे जाके कंप्यूटर की लोड़ पैनी है, उस तो बिना सब कुछ जीरो है। उत्थे बैंक ऐप्स किदा चलानी है, उत्थे जिहड़ा तुहाडा टैक्सेशन का सिस्टम की है, उत्थे नॉर्मल यूज की हुई भाषा जी की वरतों चाहनी है, तो तुम अपने आप को उद्दा स्टैबलिश करना उत्थे एटमोसफेयर, वो असी सारी पर्सनैलिटी डिवेलपमेंट बच्चे दे दी है आयल्स से स्टडी वीजा जो बच्चा साढ़े प्रॉपर जुड़ के कर रहे हैं। तो बाकी आप कई इंस्टीट्यूटों में जाने पर इस तरह क्लीयर कट गल किसी वालों भी नहीं कही जाती, इन्होंने यही गल खास कही है भी जो पेरेंट्स है वो जरूर होना की इनवॉल्वमेंट जरूर होनी चाहिए जिन्होंने पैसे खर्चने। सो इतों पता लगता भी तुम इस इंस्टीट्यूट ट्रस्ट कर सकते हैं। सर एक गल मैंने हो क्लीयर करो, एक असी न्यूज़ देखी थी कि पिछले समय कनेडा के काफ़ी वीज़ा रिफ्यूज़ हुए थे, की कारण रहे थे, तो तुम्हें की रिकॉर्ड है, कोई थोड़ा भी इस तरह कोई रिफ्यूज़ होया वीज़ा? हरदीप जी ये रब की मेहर रही है, साडा इस तरह का कोई नैगेटिव रिकॉर्ड नहीं रहा ये, ये लास्ट वीक दे विच ही होया सीगा जी, कुछ नैगेटिव काफ़ी हद तक काफ़ी नैगेटिव रिजल्ट्स कैनेडा दे आए ने, और इहदा रीज़न मैक्सिमम रीज़न तो यही है कि कोविड करके, कि कोविड तो बाद काफ़ी लंबे समय तो बाद जाके हुण रिजल्ट्स आने शुरू हुए, तो पहला सब तो पहला हमेशा नैगेटिव रिजल्ट्स ही आते हैं जो पुराने ट्रेंड शो करते हैं, पहला हमेशा नैगेटिव रिजल्ट्स ही आते हैं, तो लैट्स होप कि हुण ट्रेंड चेंज हो रहा है और इमीडिएटली हुण पॉजिटिव रिजल्ट्स आने शुरू हो जाएंगे, साडे वल्लों कोई नैगेटिव रिपोर्ट नहीं आई। बहुत सारे बच्चे होशियार होंगे है ना, बहुत सारे बच्चे आयल्स कर लेंगे, पर कई बच्चे कहें भी असं आयल्स नहीं कर सकते,
ਕਈਆਂ ਦੇ ਗੈਪ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਿਸੇ ਦਾ ਪਲੱਸ ਟੂ ਬਾਅਦ 2 ਸਾਲ ਦਾ, 5 ਸਾਲ ਦਾ, 8 ਸਾਲ ਦਾ ਗੈਪ ਹੁੰਦਾ। ਕੋਈ ਅਜਿਹੀ ਕੋਈ ਕੰਟਰੀ ਹੈਗੀ ਜਿੱਥੇ ਬਿਨਾਂ ਆਇਲਟਸ ਅਤੇ ਲੰਬੇ ਗੈਪ ਦੇ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ ਜਾ ਸਕਦਾ ਪੜ੍ਹਨ? ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਸਵਾਲ ਹੈ ਜੀ ਇਹ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੋ ਕਾਫੀ ਬੱਚਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਪਾਉਂਦਾ ਆਇਲਸ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵਜ੍ਹਾ ਕਰਕੇ, ਜਾਂ ਉਹਦਾ ਬੈਂਡ ਸਕੋਰ ਘੱਟ ਰਹਿ ਜਾਂਦਾ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਬਹੁਤ ਹੀ ਵਧੀਆ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਐਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਖਰਚਾ ਆਪਾਂ ਕਹਿ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਨਾਲੋਂ ਘੱਟ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਔਰ ਲਾਈਫ ਸਟਾਈਲ ਉਹਦਾ ਬੈਟਰ ਹੈ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਇੱਥੇ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਆਇਲਸ ਦੀ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ ਮੈਕਸੀਮਮ ਕਾਲਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ ਔਰ ਗੈਪ ਅਕਸੈਪਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਇਹਨਾਂ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਆ ਕੇ ਜਾ ਕੇ ਉੱਥੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਇਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਈ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਕੰਮ ਦੀ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬੜੇ ਆਰਾਮ ਨਾਲ ਕੰਮ ਵੀ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕਹੀਏ ਕਿ ਮਨੀ ਅਰਨਿੰਗ ਕਿੰਨੀ ਹੈ, ਕਿੰਨਾ ਪੈਸਾ ਉਹਨੂੰ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਰੰਸੀਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਡਾਲਰ ਔਰ ਯੂਰੋ ਦੇ ਰੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 1.5 ਗੁਣੇ ਦਾ, ਘੱਟੋ ਘੱਟ 1.5 ਗੁਣੇ ਦੀ ਕਮਾਈ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਕੈਨੇਡਾ, UK, ਜਰਮਨੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਿੱਚ PR ਜਲਦੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ? ਕਿਉਂਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਮਨਾਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਾਈਏ 2-4-5 ਸਾਲ ਪੜ੍ਹ ਲਈਏ, ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਉੱਥੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣਾ ਹੈਗਾ, ਸੋ ਕਿਹੜੀ ਕੰਟਰੀ ਵਧੀਆ ਹੈਗੀ ਬੱਚੇ ਲਈ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੁਜੈਸਟ ਕਰਦੇ? ਜੇ ਆਪਾਂ PR ਜਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਪਾਂ ਚੱਲੀਏ ਤਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਟੋਪਮੋਸਟ ਹੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਬਰਾਬਰ ਹੀ ਜਰਮਨੀ ਵੀ ਹੈ। ਜਰਮਨੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਇਕੁਅਲੀ ਗੁੱਡ ਨੇ ਐਜ਼ ਕੰਪੇਅਰ ਟੂ ਜੇ ਆਪਾਂ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਨਾਲ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ। ਇਸ ਜੇ ਆਪਾਂ UK ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਉੱਥੇ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਆਪਸ਼ਨਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਨੇ, ਪਰ UK ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ ਕਿ ਉੱਥੇ ਸਪਾਊਸ ਨਾਲ ਜਾ ਸਕਦੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਪਲੱਸ ਪੁਆਇੰਟ ਹੈ, ਪਰ ਉੱਥੇ ਫਿਲਹਾਲ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਰੂਲਸ ਦੇ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਲਿਮਿਟਿਡ ਆਪਸ਼ਨਸ ਨੇ ਸੈਟਲ ਹੋਣ ਦੀਆਂ। ਤਾਂ ਸੈਟਲਮੈਂਟ ਜੇ ਆਪਸ਼ਨ ਅਸੀਂ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੀਏ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲੀ ਆਪਸ਼ਨ ਕੈਨੇਡਾ ਅਤੇ ਨਾਲ ਜਰਮਨੀ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਅੱਛੀਆਂ ਆਪਸ਼ਨਸ ਸਰ, ਬੜੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗਾਈਡ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ, ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਸੌਖਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋਰ ਕਲੀਅਰ ਕਰੋ, ਬੱਚੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਇੱਥੇ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਆਇਲਸ ਵੀ ਇੱਥੇ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਸਟੱਡੀ ਵੀਜ਼ਾ ਵੀ ਲਵਾ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਪਰ ਚੈਲੇਂਜ ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦਾ ਆ, ਬੱਚੇ ਨੇ ਕਿੱਦਾਂ ਏਅਰਪੋਰਟ ਜਾਣਾ ਹੈਗਾ ਆ, ਕਿੱਦਾਂ ਉੱਥੇ ਆਪਣੇ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਆਫਿਸਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਆ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਜੋਬਸ ਕਿੱਦਾਂ ਦੇਖਣੀਆਂ ਹੈਗੀਆਂ, ਜਾਂ ਉੱਥੇ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾ ਕੇ ਦੇਖਣਾ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਕੁੜੀਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ, ਕੀ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬਾਂਬਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਚੱਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਗੱਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਹੁਣੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਆਇਲਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ। ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਨਵੀਂ ਜਿਹੜੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਬਾਂਬਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਅਪ ਟੂ ਆਇਲਸ, ਵੀ ਆਰ ਨੋਟ ਅਪ ਵੀਜ਼ਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਉੱਥੇ ਤੱਕ, ਵੀ ਆਰ ਬਿਓਂਡ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਆ, ਈਵਨ ਬੱਚਾ ਸਾਡਾ ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਇੱਕ ਜਰਮਨ ਕੇਸ ਗਿਆ ਸੀਗਾ, ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਆਈ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੋਂ ਬਹਿ ਕੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੈਟਅਪ ਦਿੱਤਾ ਬੱਚੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੱਸਣਾ ਚਾਹਾਂਗਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜ ਗਿਆ, ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਵੀ ਅਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਵੀ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਾਉਣਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰੈਜੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਵੇ ਆਫ ਟਾਕਿੰਗ ਕਰਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੇ ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਬੈਂਕ ਐਪਸ ਕਿੱਦਾਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀਆਂ ਜਿਹੜੀ ਰੂਟੀਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੋਰਮਲੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀਆਂ, ਨੋਰਮਲੀ ਉਹ ਬੈਂਕ ਐਪਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹ ਵੀ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਵਾਂਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਇਨ ਕੇਸ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਈ ਵਾਰ ਕਿ ਵੀ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਚੱਲ ਗਿਆ ਜੀ, ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਿਆ, ਉੱਥੇ ਜਾਂਦੇ ਪਹਿਲੇ ਰਹਿਣ ਦੀ ਵਿਵਸਥਾ, ਬਾਂਬਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਜ਼ ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਦੇਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਬੱਚਾ ਇੱਥੋਂ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਥੋਂ ਏਅਰਪੋਰਟ 'ਤੇ ਉਤਰਦੇ ਸਾਰੀ ਬੱਚੇ ਦੀ ਰਹਿਣ ਦੀ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਲੜਕੀਆਂ ਲੜਕੇ ਜੋ ਵੀ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਕੋਮੋਡੇਸ਼ਨ ਦੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਪ੍ਰੋਵੀਜ਼ਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਾਂਗੇ, ਨੀਅਰ ਬਾਏ ਕਿਹੜੇ ਵੈਜ ਰੈਸਟੋਰੈਂਟ ਹੈ, ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੰਦਿਰ ਕਿਹੜੇ ਨੇ, ਉਹ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ ਡਾਟਾ ਵੀ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਨੇ, ਕਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਿਊਜ਼ ਪੇਪਰਸ ਜਾਂ ਕੀ ਹੈਗਾ ਉਹ ਵੀ ਸਾਰਾ ਸਿਸਟਮ ਬੱਚਾ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਬਰੋਟ ਅਪ ਕਰੇ, ਹਰ ਚੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਫਗਵਾੜਾ ਬਹਿ ਕੇ, ਬੇਸ਼ਰਤੇ ਬੱਚਾ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੁੜਿਆ ਹੋਵੇ। ਅਤੇ ਮੈਂ ਫਿਰ ਇਹੀ ਕਹੂੰਗਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਾਂਬਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀਜ਼ ਅਸੀਂ ਸੈਂਟਰ ਨਹੀਂ ਚਲਾ ਰਹੇ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ, ਭਵਿੱਖ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਜੁੜੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਜੁੜਿਆ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਪੇਰੈਂਟਸ ਦੇ ਪੈਸੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਬਹੁਤ ਮਿਹਨਤ ਨਾਲ ਪੈਸਾ ਕਮਾਇਆ, ਹਰ ਇੱਕ ਦਾ ਡ੍ਰੀਮ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਕੱਲ੍ਹ 15-20 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਲਾ ਕੇ ਬਾਹਰ ਭੇਜ ਰਹੇ ਅਤੇ ਉਹ ਬੱਚਾ ਉੱਥੇ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਪਣੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ ਪਲੈਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨਾਲ, ਬੱਚਿਆਂ ਨਾਲ ਬਾਹਰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਜੁੜੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਰੂਟ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਉਹ ਉੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ, ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਨੈਕਟੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਿਲਕੁਲ ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਕਹਿ ਲਓ ਕਿ 1% ਵੀ ਬਾਬਾ ਕੰਸਲਟੈਂਸੀ ਗਲਤ ਗਾਈਡ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਪਾਸਪੋਰਟ ਅਸੀਂ ਖਰਾਬ ਨਹੀਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਸਾਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਅਤੇ ਅਸੀਂ ਪੁੱਟ ਅਪ ਕਰਾਂਗੇ ਕੇਸ, ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਅਸੀਂ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੂੰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਦੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਬਸ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ, ਜੋ ਚੀਜ਼ ਸਹੀ ਅਸੀਂ ਉਹੀ ਕਰਨੀ। ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਯਕੀਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ ਵਿਜ਼ਿਟ ਕਰਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਅਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ,
सर एक गल मैं होर क्लीयर करो भी कई बच्चे होर इंस्टीट्यूटों में गए होंगे चंगे तरीके नहीं अपलाई कर सकते वीज़ा रिफ्यूज़ हो जाता ना कि रिफ्यूजल वीज़ा भी डील करते हो जेकर वो उतो रिफ्यूजल हो जाते हैं निराश हो जाते हैं कि वो बॉम्बा कंसल्टेंसी जाकर अपनी फाइल चैक करा सर तुम वीज़ा फाइल फड़ोगे बिल्कुल हरदीप जी साढ़े को काफ़ी केसिज इदा के आए हैं जो वीज़ा रिफ्यूजल्स चाहे कैनेडा के होन चाहे होर कंट्रीज़ के भी होन साढ़े को आए हैं और उन्होंने केसिस असी बहुत डीपली स्टडी करी दे और उन्होंने जो जेडे रीजनस करके रिफ्यूजल लगिया होंगे ज़्यादातर रीजनस होंगे ने चाहे किसी का आइल्स का स्कोर हो चाहे सब तो मेन होंगी गलत सिलैक्शन ऑफ प्रोग्राम प्रोग्राम ही गलत सिलैक्ट किया होंगे स्ट्रीम ही कुछ होर होंगी है तो उस चीज़ से असी स्पैशली वर्क करके मेरे को ऑलरेडी कई इस तरह के वीज़े लग चुके हैं जेडे रिफ्यूजलों तो बाद असी उन्होंने हाईली सक्सैसफुल और पब्लिक कॉलेजेस दे विच उन्होंने प्लेस करवा दिता है सो जी सर के असी उन्होंने मोस्ट वेलकम करते हैं वो आके सानू कंसल्ट करन असी उन्हां दा फर्दर केस टेकअप करा स्टडी वीज़ा की एक अहम कड़ी होंगी है ना जो बच्चों ने वीज़ा अपलाई करना जो आप खुद चैक करना चाहन भी उत्थे यूनीवर्सिटियां किहड़ियां वधिया किहड़े कॉलेजेस वधिया तुसीं की उन्होंने सजेस्ट करते हो किहड़ियां यूनीवर्सिटियां उन्होंने वधिया रहणियां कित्थे उन्होंने चूज करना चाहिए जे आपां कैनेडा की गल करिए सानू ये जरूर देखना चाहिए कि कॉलेज का रैंकिंग की है और कि वह पब्लिक कॉलेज है या प्राइवेट कॉलेज है यह चीज़ बहुत मैटर करती है क्योंकि पब्लिक कॉलेजेस दे विच एक तो फीस नॉमिनल होंदी है एक उन्हां दी प्लेसमेंट्स अच्छियां होंदियां और सब तो मेन है कि जिहड़ी टेंशन वाली गल होंदी है पेरेंट्स लई कि मेरा बच्चे नूं कोई डिग्री दी कोई स्टैंडिंग रहेगी या नहीं रहेगी कि उन्हूं जॉब मिलेगी या नहीं मिलेगी यह सब कुछ तो बेफिक्र हो जाता है पब्लिक हमेशा कॉलेज की रैंकिंग चैक कर फीस स्ट्रक्चर चैक कर और कुछ मैं कॉलेजेस दस भी सकदा जे आपां टोरंटो रीजन दे विच कहीए तां लैम्पटन है सैनिका है हम्बर है जॉर्ज ब्राउन कॉलेज है बहुत रिप्यूटेड कॉलेज ने और वैनकूवर साइड जे आपां के पी यू यूनिवर्सिटी का गल करिए वेरी गुड इंस्टीट्यूशन बी सी आई टी इज देयर कई बार असं है ना गल्लां वेखी दियां कई इंटरव्यूज भी देखी दियां कई एजेंट कहिंदे आ वी तुहाडे कोल ऑप्शन आ जे तुसीं ज़्यादा पैसे खर्चने इस कॉलेज चल जाओ जे तुहाडे कोल पैसे घट आ तुसीं इन्हां कॉलेजां दे विच चल जाओ तो होर जे ना भी दस देंदे कॉलेजेस दे जिहड़े कॉलेजेस ब्रांडेड नहीं होंदे जिथे बच्चे वधिया तरीके नहीं पढ़ सकते कई कहिंदे वी इत्थे फीस तुसीं बाद च दे दिओ ओह की चक्कर हुंदा जिहड़े तुसीं इह कह रहे हो कि कई कहिंदे ने वी कॉलेजेस दे विच वी इहनां दी फीस घट है तुसीं इत्थे चल जाओ मेरे को खुद इस तरह की ऑप्शनस कई बार आदि हैं असी कई वैसे ही एक दो ट्रायल से एक ना असी उन्हें एड्रेसिस से गूगल सर्च करके पूरा देखिया लोकेशन देखी तुम हैरान हो जाओगे उन्होंने उन्होंने लोकेशन देख के और वो भी एक कमरे के कॉलेज और वो भी फस्ट फ्लोर से थले कोई कोई पार्लर है कोई स्पा है वो उपर फस्ट फ्लोर से कॉलेज खोलिया हो आप बच्चे इतने भेज सकते हैं कि आप चाहते हैं कि हाँ भी असं घट फीस दे इदा के कॉलेज के भेजना साडा इदा का सिस्टम नहीं है साडा बड़ा ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कॉलेज तो रिप्यूटेड हो गए और बच्चे दे मतलब दे होंगे और मर्जी दे होंगे बच्चा पूरी डिटेल दे विच गूगल ते सर्च करे साडे नाल असी उन्हें हेल्प करांगे उन्हें सर्च करन दे विच सर बहुत सारे ये भी इमीग्रेशन वाले जां एजेंट गल्लां कर लैंदे आ भी असी सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद च लवांगे जां कई कह लैंदे आ भी तुसीं साडे कोल आओ आइलेट्स करो तुहाडा वीज़ा असी टोटली फ्री कर देंगे कि इस तरह तुसीं कुछ करदे हो पहली गल तो भाजी पैसे कदे किस चीज़ के पैसे मैं असी तो सिर्फ पढ़ाने पैसे लेने हैं बाकी तो मैं पहले भी दसिया कि जड़ा बच्ची की फीस स्ट्रक्चर है 10 लाख 15 लाख 20 लाख जो भी है वह सीधी यूनीवर्सिटी में जानी है हुण जिदा भाजी तुहानू वधिया कॉलेज यूनीवर्सिटी गिना के हटे है देखो कुछ नहीं है ये सिर्फ एक कह लो कि गड़बड़ी वाला सौदा है जो कोई यूनीवर्सिटी तुहानू इत्थे कोई सेंटर ये कह रहा है कि जी तुसीं साडे को आइल्स कराओ वीज़ा लगन तो बाद पैसे वो पैसे की आप सेंटर के खाते पाने जबकि जो सेंटर के खाते पाने इट मीनस कि उत्थे गड़बड़ी हैगी है तुसीं कई धरने लगते देखते होने थाने केस कोटा च केस वो ही चीज़ा मैं तो ये कहूँगा कि सानू कुछ नहीं चाहिए सानू सिर्फ उही चाहिए जो असीं करा रहे हैं असीं आइल्स करा रहे हैं असीं उरे पैसे लेने हैं यूनीवर्सिटी सिलेक्शन वास्ते बच्चा आप भी कर सकता है असीं गाइड कर सकते हैं असीं बच्चे की हेल्प कर सकते हैं जिदा भाजी दस घटे कि गूगल से या जो भी उन्हें लभना है तो बच्चा डायरैक्ट यूनीवर्सिटी पे करे पेरेंट्स डायरैक्ट यूनीवर्सिटी पे करन उन्हें मोन्ट्रियल का ताज़ा केस है सारे केस यही है कि एक कमरे की यूनीवर्सिटी है इतने सेंटर ने सैटअप किया उन्होंने उन्होंने इतों पैसे लेके बाद चो बच्चा धक्के खा रहा पता लग रहा कि कैनेडा के बच्चा डिमोरलाइज होया वा पेरेंट्स इतने रोई जाते उत्थे रोई जाता पाया इस करके सारिया चीज़ा फेक आ इदा का कुछ नहीं है जो भी पैसा है पेरेंट्स ने सीधा पे करना यूनीवर्सिटी
अच्छा मैं ये भी ठोक के गल कहना जिन्हें यूनिवर्सिटियां नाम गनाए ने कोई भी रेपूटेड अच्छी यूनिवर्सिटी है वो कभी भी इदा का कम नहीं करेगी। असं इतने बच्चे पढ़ाए आ स्कूल आ कॉलेज आ प्लस टू तो लैके कि कॉलेज यूनिवर्सिटी ने फीसा बाद चो लीती है पहले असं फीसा दें फिर बच्चे पढ़ते ये सेम चीज़ उत्ते सिर्फ कंट्री चेंज है ना जी बाकी सेम चीज़ है। तुम पब्लिक कॉलेज जा रहे हैं प्राइवेट कॉलेज जा रहे हैं रिसर्च करो लभो उन्हें प्रॉपर तरीके देखो किसी की गला चुनाओ। मैं यही कहूँगा कि कोई भी थानू अट्रैक्ट कर रहा है जी आयल्स करो तो असं वीज़ा लगने तो बाद लवेंगे इट इज़ ऑल फेक कुछ भी इदा का नहीं होंगे। तुसी बिल्कुल तसली नाल यूनिवर्सिटी कॉलेज की रेपूटेशन देख के किन्ने बच्चे पास आउट होए की उत्ते सिस्टम है लखा बच्चा जा रहा लखा चो मुड़ के भी आ रहे हैं ठीक है रोंदे भी पे आ कई केस उत्ते असीं देखते सुसाइड दे भी हो रहे हैं ठीक है जी। क्यों आप बच्चे के भविख ना खेलना क्यों आप गलत करना जे आप अपने तो दूर कर रहे हैं तो साड़ी बच्चे के प्रति ये जिम्मेवारी बनती है कि हर चीज़ साफ स्पष्ट ट्रांसपेरेंसी होवे। ये जिम्मेवारी कली साडे नहीं बनती पेरेंट्स की कि पेरेंट्स कई बार होंगे कि 2-4 लाख रुपया देख के वो कहन बचो जी नो तुम पैसा सीधे यूनीवर्सिटी में देना यूनीवर्सिटी में पे करना है। साडा तो सिर्फ इन्ना है कि असी जो आयल्स करानी है असी उरे बड़े नॉमिनल चार्जेस लेने हैं तो जे असी वो भी ना लीए तो असी क्वालिटी नहीं दे पावे। साढ़े को जो टीचर्स आ बहुत हाई रैंक के आ बहुत एजुकेटड ने वैल क्वालिफाइड टीचर्स ने तो असी क्वालिटी के उत्ते काम कर रहे हैं तो असी अपनी जी साढ़े पैरामीटर या एथिक्स आ असी उस तो थले नहीं जाना बाकी असं भेड़ चाल चली पी ठीक है। बहुत अच्छे जोड़े इंस्टीट्यूट फगवाड़े है जलंधर है दुआबा दिए होर भी है इंडिया के है सारे वधिया इंस्टीट्यूट थानू इदा की गलत कमिटमेंट नहीं कर जोड़े अज खुले आ 2 साल चलने हैं या साल चलने वो थोड़ी इदा की कमिटमेंट करेंगे वो थानू कोर्ट कचहरिया के धक्के खिलाएंगे थाने धक्के खिलाएंगे बच्चा उत्ते खराब होएगा मुड़ के सा पैसे आप बकावे गए कितने ठीक है ना जी। यूनिवर्सिटी में पे कर रहे हैं थोड़े खाते तो सीधी ट्रांजैक्शन यूनिवर्सिटी के खाते जानी है ठीक है जी वो थोड़ी बिल्कुल डायरेक्ट ट्रांजैक्शन है। बच्चे नू अच्छा कोर्स अच्छी यूनिवर्सिटी कराओ तो सिलेक्शन अच्छी होगी सारे काम ठीक होंगे। सो वाकई बहुत सारिया गल्लां सीगियां कि जिहड़े कहिंदे सी एजेंट पैकेज जिहड़े कहिंदे सी सारे पैसे वीज़ा लगन तो बाद जिहड़े कहिंदे सी भी तुसीं आयल्स कराओ वीज़ा फ्री बहुत सारिया इहो जिहियां गल्लां सी जो इत्थों क्लीयर कीतियां। सो कहण तो भाव यह है कि झूठे ठग एजेंट जिहड़े हैगे आ जिहड़े थानू खराब कर सकते आ जिहड़े थानू कचहरियां थाणियां दे विच लिया सकते आ जिन्हां दे लई थानू धरने लाने पैण जो अजक आम चलता है अखबारों टीवी चैनल आप देखते हैं उन्होंने सूँ सचेत होने की लड़ हैगी सूँ चंगे एजेंट्स को चंगे इमीग्रेशन ऑफिस जाना चाहिए कि जितने अच्छे असं बैठे है बांबा कंसलटेंसी साड़ी स्क्रीन पर नंबर आ रहे हैं तो कोई क्वेरी हैगी कोई जानकारी लैनी है सूँ कोई गल होर पूछनी है कि तुम इन नंबर से फोन कर सकते हैं सही सलाह लैन के लिए तुम इतने जदों मर्जी इन्हों मिल सकते हैं जो कि थोड़ा बड़े वधिया तरीके गाइड करे थानू प्रोपर दस कि कंट्री साढ़े सूटेबल हैगी। कैमरामैन जस्सी सैन के नाल हरदीप सिंह तगड़ सांझ टीवी फगवाड़ा।